तो गाइस चलो आगे निकलते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है इसीलिए। तो गोरे चुट्टे तो सभी बिजी थे पर हम वहाँ रुके नहीं क्योंकि हम तो आते जाते रहते हैं, अपना ही घर है तो अभी हमें बहुत सारा काम है वो पहले ख़त्म करते हैं उसके बाद। भाई गर्मी भाई तगड़ी है, मैं भूल गया यार टॉवल, तो गर्मी तगड़ी है भाई, निकलते कुछ काम है इसीलिए। भाई ये देखो हाथी, कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति है भाई, सुंदर सुंदर सुशील मूर्ति है भाई, पीतल के शायद मेरे को पता नहीं। भाई पुराने जमाने में कैसे आसान की जाती थी, कैसे पता चल रहा है कि टाइम क्या हो गया। ये सोलर क्लॉक अब मैं दिखाता हूँ, ये वो क्लॉक जिससे पता चलता कि आसान कब देनी है, टाइम क्या हो गया है। ये देखो भाई गाइस, यहाँ बहुत सारा घूम लिया, बहुत सारा एंजॉय किया, अब निकलते हैं सीधे रूम की तरफ। आज तो इतनी गर्मी नहीं है जितने मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक ठाक गर्मी है। तो जी गाइस दिन के बज चुके हैं 3, तो जामा मस्जिद से आ गई यार, हम सो गए। गाइस ये देखो शाम के टाइम जामा मस्जिद के पास पहुंच गए, पगड़ी चली गई ये। चलो मैं रूम में बताऊंगा भाई, बट ये वाला देखो भाई इतनी भीड़ है कि पूछो मत। लो जी गाइस मैं फिर से आ गया जामा मस्जिद में, शाम के बज चुके 8 अभी। बहुत ही सुकून वाला फील हो रहा है इधर क्योंकि इस टाइम ज्यादा पब्लिक नहीं है, बस नमाजी आ गए और मैंने सोचा मैं भी नमाज पढ़ूंगा यहाँ पे। तो ये देखो भाई इस टाइम का नज़ारा कुछ भाई, ओह माशाल्लाह। बट गेट पे दिखाऊंगा भाई कितनी पब्लिक जमा है। और एक दोस्त आ रहा है मेरा यहाँ, वो भी आ रहा है, उसने मुझे फ़ोन किया कहाँ पे हो, तो गेट पे आ रहा है, देखते हो कहाँ पे होगा, फिर निकलते हैं गेट की तरफ। गेट नंबर 1 उसने मुझे बोला था तो निकलते हैं फिर। भाई ये देखो भीड़ कितनी है शाम के टाइम, ये देखो भाई, और रोड पे देखो भाई कितनी भीड़ है भाई, जैसे कोई मेला है ना वैसे ही है। इस टाइम पर ज़्यादा लोग बैठे हैं क्योंकि इस टाइम ठंड होती है ना, सभी